उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर आतंकी हमला हो सकता है, तो वहीं पार्टी में भी हड़कंप मच गया है। इस हमले को लेकर जो बात सामने आई है उसमें कहा गया है कि दिल्ली प्रवास के वक्त उन पर हमला हो सकता है, तो वहीं इस मामले में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार का भी बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जहां तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमारी एक सतत दिल का पार्ट भी है कि समय समय पर जिनके थ्रेट परसेप्शन रहता है, इसमें हमारे जितने भी वीवीआईपीज हैं उन सभी के समय समय पर थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सुरक्षा को लगातार अपग्रेड करने की आवश्यकता रहती है, उसी क्रम में लगातार सुरक्षा अपग्रेड की जाती है। आपको बता दें, इस हमले को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस के खुफिया विभाग ने दिल्ली और यूपी पुलिस को जानकारी दी है और मध्य प्रदेश पुलिस के खुफिया विभाग अलर्ट जारी करते हुए दोनों राज्यों की पुलिस को अलर्ट जारी किया है। अपने रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सीएम योगी के दिल्ली प्रवास के वक्त उन पर हमला हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि सीएम योगी की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।